हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ साड़ी के लिए ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल, वो भी सिर्फ एक डोनट बन की मदद से। तो इस डोनट बन की मदद से कैसे आप कर सकते हो ब्यूटीफुल सा लो बन हेयर स्टाइल, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सबसे अच्छी बात है कि मैं सेल्फ वीडियोज बताती हूँ, तो आप खुद से इतनी ब्यूटीफुल सी हेयर स्टाइल की वीडियोज, मेकअप ट्यूटोरियल्स की वीडियोज, ब्यूटी टिप्स की वीडियो, सब कुछ अपने आप खुद से कर सकते हो। पार्लर में खूब सारे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरी वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग हेयर स्टाइल की वीडियो या मेकअप ट्यूटोरियल्स की सीक्रेट टॉपिक्स बताते रहती हूँ मैं, टिप्स वगैरह। तो आप जरूर देखिएगा वीडियोज एंड तक, एंड लेटेस्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, तो आप लिंक पे जाके क्लिक करके मेरी लेटेस्ट वीडियोज देख सकते हो। एंड सेकंड चैनल है प्रीति तिवारी 2, जहाँ पे मैं डेली ब्लॉग वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ, क्या करती हूँ मैं डेली रूटीन में वो सारी चीज़ें, तो वहाँ पे भी जरूर जाइएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लिंक पे क्लिक करके जल्दी से मेरे लेटेस्ट वीडियो को देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सेंटर पार्टीशन से कर रही हूँ, आपको जैसी पार्टीशन रखनी है, पार्टीशन नहीं रखनी है, बालों की मांग निकालनी है नहीं निकालनी है आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको इस तरीके से रखना है बालों को। पहले भी मैंने बताया है कि जब आप सेंटर पार्टीशन रख रहे हो बहुत लंबी मांग मत निकालो, इस तरीके से मांग को छोटा कर लेना है जैसे मैंने अभी किया। साड़ी डाल दो तो सेंटर पार्टीशन के साथ हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी। इस तरीके से कॉम करके एक रबर बैंड लगा लीजिए। ओके, रबर बैंड लगाने के बाद से डोनट बन को लेंगे और इस तरीके से डोनट बन को रखेंगे, एंड एक पतला वाला रबर बैंड लेंगे और इस तरीके से रबर बैंड को डोनट बन के साइड से निकालेंगे और इस तरीके से लगा देंगे। हेयर को हाफ डोनट बन तक ऐसे फैला देंगे और नीचे से खींच लेंगे। ओके, अच्छे से मैनेज करने के बाद से हेयर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि मेरे बाल छोटे हैं, लंबे होते तो आप वन साइड से ही कर सकते हो। टू पार्ट्स में डिवाइड करके अगेन इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सिंपल सी चोटी बना लेंगे। चोटी गुथेंगे एंड डोनट बन के ऊपर से लेके जाएंगे। ओके, एंड पार्ट पे यूपिन से सिक्योर कर लेंगे। दूसरी साइड के हेयर को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और चोटी बना लेंगे। डोनट बन के ऊपर से लेके जाएंगे। और यू पिन से सिक्योर कर देंगे। अब जो डोनट बन दिख रहा है उसको इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचेंगे और यू पिन से सिक्योर कर देंगे। चोटी को अगेन खींचेंगे और यू पिन को लगा देंगे। अब एक साइड का तो हमारा कवर हो गया, अब यहाँ का डोनट बन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस साइड के हेयर को भी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यू पिन से सिक्योर कर देंगे। तो छोटे बालों में आप इस तरह
तरीके से बना सकते हो। और इस तरीके से आपका डोनट बन भी हाइट जाएगा और आपका हेयर स्टाइल भी काफी अच्छा लगेगा। तो ये है ब्यूटीफुल सा, सिंपल सा, इजी सा वन हेयर स्टाइल, वो भी सिर्फ एक डोनट बन की मदद से। तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रंट से आपको इस तरीके का फ्लैट लुक मिलेगा एंड बैक से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। तो आई होप कि हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो, हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा गाइस, जरूर ट्राई कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात कि इतने छोटे बालों में अब इस तरीके से खूबसूरत सा बड़ा वीग लोग हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। और मेरे सेकंड चैनल पे जरूर जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड जो मेरी लेटेस्ट वीडियो आती है उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको कहीं भी जाकर कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, लिंक पे जाइए और सारी अपडेटें जो भी मैं डालती हूँ वो सारी आप चेक कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और हेयर स्टाइल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ट्राई जरूर कीजिएगा। छोटे बाल है तो भी आप इस तरीके से खूबसूरत सा बन बना सकते हो अपनी साड़ी के लिए। तो साड़ी पहन रहे हो तो ये हेयर स्टाइल जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करिए, और लिंक में जरूर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके जरूर देखिएगा मेरी लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।